हेलो, मैं सिर्फ तेजस राठी। आज मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिक कैलकुलस। अब बेसिक कैलकुलस डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। सेट मीन्स क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ नंबर। वो अगर आपको सेट के बारे में पता है तो उसी पे डिपेंड है फंक्शन। अब फंक्शन मीन्स सेट ए, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट फंक्शन, एंड सेट बी, इट इज़ द डिपेंडेंट फंक्शन, इज कॉल्ड द फंक्शन। अब फंक्शन में बेसिकली चार टाइप आएंगे, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन वन फंक्शन मीन्स क्या होता है। वन वन फंक्शन मीन्स ये जो आपको सेट ए दिख रहा है और ये सेट बी दिख रहा है, सेट ए का एग्जैक्टली वन इमेज आपको कोडोमेन में दिखेगा, वन वन की पेयर है, इसलिए इसको बोला है हमने वन वन फंक्शन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मेनी वन फंक्शन। आप देख पा रहे हो कि ये डोमेन एक इसको कनेक्टेड है, मीन्स मेनी टू वन कनेक्टेड हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है मेनी टू वन फंक्शन। देन थर्ड डिस्कस करेंगे हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन का मतलब वन वन की पेयर हो रही है डोमेन और कोडोमेन में। देन ऑन टू का मतलब होता है कि डोमेन और कोडोमेन में एग्जैक्टली मिरर इमेज क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको बोला हुआ है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। देन फोर्थ हम डिस्कस करेंगे मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू देखो कि ये कोडोमेन में कोई भी इमेज वैकेंट नहीं है, ये पूरा क्या है, फुलफिल हुआ है, और डोमेन के दो एलिमेंट एक एलिमेंट को कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला हुआ है मेनी एंड ऑन टू फंक्शन। तो बेसिकली टाइप ऑफ फंक्शन हमने क्या किया, डिस्कस किया। अगर आपको टाइप ऑफ फंक्शन है तो उसी पे से पांच टाइप के बेसिकली फंक्शन होते हैं। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड होता है अल्जेब्रिक फंक्शन, फोर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिफ्थ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बेसिकली तीन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और अल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में। आप देख पा रहे हो कि ये जो येलो इसमें मैं रिप्रेजेंट किया हो, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो रेड इसमें रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ द अल्जेब्रिक फंक्शन, और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ पे x का डोमेन है, और जब आप e रेस्ट x में x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये है कोडोमेन। अब जब आप वैल्यू